अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे। और मैंने अहराम पहना हुआ है क्योंकि कल मैंने दूसरे कपड़े पहने हुए थे तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। खाना कबा के वो जो नीचे वाला सहन होता है, और आज मैंने अहराम पहन लिया। प्रॉबेबली डू तवाफ इंशाल्लाह, और जुहर की नमाज होने वाली है, 15-20 मिनट रह गए हैं, इंशाल्लाह उधर पहुँच जाएंगे इस नमाज से पहले। तो वाली उठा जरा उठ, मम्मा आ जाए। ऑल सेट, गर्मी आज भी बहुत ज़्यादा है, 40 डिग्री आउटसाइड। खैर मस्जिद के अंदर तो बिल्कुल गर्मी नहीं लगती क्योंकि प्रॉपर एसी चल रहे होते हैं, ऑल्दो इट्स ओपन प्लेस, लेकिन फिर भी उधर बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। खैर रोड्स पे गर्मी है और इट्स 12 PM इन द आफ्टरनून। जोहर की नमाज में 10-15 मिनट रह गए हैं। वी आर ऑन द वे टू हरम। अगेन वाटर स्प्रिंग, अगेन जो वाटर स्प्रेज होते हैं यहाँ से। डन विद द जोहर प्रेयर, और आज भी रश काफ़ी था मताफ में, तो आई कुडंट, मैं वहाँ तक तो नहीं गया, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले मस्जिद तक जाके नमाज़ पढ़ा क्योंकि मताफ में काफ़ी ज़्यादा आज क्राउड था, और ऊपर से मेरे पास सूट केस भी था तो इसलिए मुझे अंदर नहीं जाने दिया। सो देयर इज़ अ ह्यूज चेन नेम बिन दाऊद सुपर मार्केट, सो हेयर वी आर काउंटर। और इधर हर किस्म के नेल कटर हैं, और दिस नेल कटर हैज टेम्प्टेड मी टू बाय, ये वाला गोल्डन कलर का है, दिस इज समथिंग फॉर 8 रियाल एंड आई एम गेटिंग दिस। ऑल्दो मैंने बैग दे लिया, लेकिन फिर भी जब से मैंने बैग लिया आई एम हंटिंग फॉर बैग्स। This is for 1200. So 1200 Saudi riyal. Yeah, ये भी बहुत अच्छा है, red one. It's for 956. और वो हमारा बैग है। तो फिर तो यार हमने अच्छा ले लिया, 325, very reasonable. Bluno. यहाँ पे हर चीज़ है, और मैं भी देख रहा था हमारे नेशनल के सब मसाला वगैरह सब इधर पड़े हुए हैं, और यहाँ पे सब हमारे नेशनल हर चीज़ इधर पड़ी हुई है। खैर मसाले से लेके हर चीज़, खैर ये तो बेसिक ग्रॉसरी है जो आप कुकिंग कर सकते हो, लेकिन हमें तो सब चीज़ डिस्पोजेबल चाहिए। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। मुझे एक दफ़ा एक रोड पे चलते हुए ना इधर सऊदीया में मुझे एक किसी औरत ने एक केक दिया, मैंने उसे ले लिया। मैंने वो केक ना वापस अपने होटल आके खाया, ये लास्ट टाइम की बात है जब मैं लास्ट टाइम आया, तो मैंने वो केक लास्ट खरा खाया, तो दैट केक वॉज बेसिकली सो यम। मैंने उसका रैपर निकाला, मैंने कहा यार आई हैव टू गेट दीज। तो आप लोगों ने इफ़ यू नो मी दीज आर द केक्स, लुजाइन कप केक्स वनीला फ्लेवर, दीज आर यम, वेरी यम। सो
I am getting this one too. These are something for 14 riyal. So gross is increasing. खैर ये कल मैं रात को एक मिनी ग्रॉसरी हॉल करके आया था अपने करीब सुपरमार्ट से। सो मैंने ये अलमराई ले लिया, हमारे फ्रिज में पड़ा, लेकिन मैं अभी के लिए ये अलमराई लेता हूँ। मैंगो दिस इज माई लव। खैर मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं जब भी अपने बैग से अपना वॉलेट निकालता हूँ ना, उसके बाद मैं बैग दोबारा जब रखता हूँ वॉलेट बैग के अंदर, तो मैं उसकी जिप बंद करना भूल जाता हूँ। और मैं जब दोबारा देखता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ मेरा वॉलेट है, शुक्र है। आई नीड टू बी मोर केयरफुल। ये मक्का टावर में एक इन्होंने स्पेशल एरिया बनाया हुआ है पिक्चर्स वगैरह के लिए, तो यहाँ पे लोग काफ़ी पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं, बहुत प्यारा। इन्होंने ना कोई KFC बनाई हुई है, लेकिन ये वेरी ब्यूटीफुल। मैं खाना काबा के वाले सीन में जाने के लिए हराम पहन के आया था, खैर उधर आज भी नहीं जाया गया, उस सीन के अंदर एंटर नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे पास आज बैग था, कल मैंने हराम नहीं पहना हुआ था, तो बाहर से ही देख लिया उन्होंने आज। तो मैंने ऊपर वाले जो उसका जो ऊपर उसके पोर्शन नहीं बने हुए, क्या कहते हैं, ऊपर जो उसके फ्लोर्स बने हुए हैं, मैंने नमाज भी उधर ही पढ़ी है। खैर अहराम इसीलिए पहना था मैंने, तो आई हैव क्लोथ्स विद मी इन दिस बैग जो मैं पहनता हूँ अभी चेंज करके। आई एम एक्चुअली फाइंडिंग अ गुड वॉच और अ हैंड बैग फॉर माय मॉम, बिकॉज मदर्स डे है 9th of May को, और आज 3rd-4th May है। गेम क्रॉस एन अदर शॉप फॉर सम विंडो शॉपिंग, बाकी मामा का वेट करूंगा, फिर ही कुछ लेना होगा तो लूंगा। खैर आई एम जस्ट ट्राइंग परफ्यूम्स आउट, दिस वन द ब्लैक वन। ब्लैक वन, या डोंट यू हैव द रेड वन? डनहिल डिजायर सिंपल रेड। नो वी डोंट, दिस वन द ब्लू वन। यहां पे कुछ चीजें आर एक्सपेंसिव, बिकॉज मैं डनहिल डिजायर जो मैं यूज कर रहा हूं दैट वाज अराउंड समथिंग 11,000, और जो यहाँ पे डनहिल डिज़ायर है सेम है, और इट्स अबाउट 350, जो प्रॉबेबली 28,000-29,000 बनते हैं। सो कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सपेंसिव हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे सस्ती हैं, तो आई एम गेटिंग रिव्यूड ऑल द थिंग्स अप। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोर। तो जिस शॉप में मैं भी गया था उसका नाम था अल मुसबा। वॉशरूम जा रहा हूँ, वॉशरूम P3 पे है और मैं भी P1 पे हूँ। मैं जैसे जैसे फ्लोर्स क्रॉस कर रहा हूँ, मैं किसी ना किसी फ्लोर पर रुक जाता हूँ, तो इसलिए डिले हो रहा है कपड़े बदलने में। सो मैं एक शॉप पे आया हूँ, सो दिस इज बेसिकली अ शॉप विद आईफोन केसेस एंड इट्स अ हेवन। मैं यहाँ पे कल भी आया था और मैंने कल यहाँ से ये सादे वाला ले लिया था, क्योंकि मुझे कल यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं क्या लूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैरायटी है। दिस इज़ फॉर आईफोन 14 प्रो मैक्स, आईफोन 14 प्रो, और इस तरह मॉडल्स पीछे जाते जाएंगे, और ये इतनी इनके पास वैरायटी है इधर। कल मैं शाम को यहाँ मामा को भी लेके आया था, मामा को ये वाला बहुत पसंद आया, ये वाला। सो इट वॉज़ फॉर 200 रियाल्स, पाकिस्तानी 16-17 हज़ार का था ये। तो मैंने कहा यार ये पाकिस्तान है, मे बी we'll got something cheaper in this. So this is a shop. और मैंने जो कवर लगाया हुआ है that was for something 30 riyals. ये शॉप मक्का टावर नहीं है, I think P2, और ये शॉप का नाम है फर्स्ट मोबाइल। सो P3 मक्का टावर, और यहाँ पर मैं वॉशरूम में जाके कपड़े चेंज करूँगा, मेरे पास कपड़े हैं, और इट्स 2:30 in the afternoon. So this is the washroom.
का वजू एरिया, दीज आर द वॉशरूम्स। Finally changing some comfortable clothes. So almost 2:20 to 30 का time हो रहा है. Change कर ली है. मामा अभी मस्जिद में है, मैं मस्जिद से आ गया था और मुझे बहुत भूख लग रही है, starving. खैर, we have a very light breakfast today. चाय, just a cake. चाय और just केक, कप केक जो मैंने कल लिए थे. सो खैर, मामा का वेट करता हूँ, कॉल करके पूछता हूँ, तो हम लंच कर लेंगे कुछ. खैर, अभी मैं आया हूँ अब राज एवेन्यू, तो इज अ ह्यूज लाइन ऑफ ब्रांड्स हियर. जब मैं एक दफ़ा इधर आया था हज पे, तो मैंने इस एरिया पे आगे एक पिक्चर खिंचवाई थी, दिस वन, द डिज्नी वन, सो आई डू रिमेम्बर. सब टॉयज हैं, इन जगह जगह ना इस तरह के टेंट्स लगाए हुए हैं, तो दैट्स इज अरेबिक प्रेजेंटेशन, मतलब इनका कल्चर क्या है, वो ये चीज़ें हैं. तो इस तरह नीचे बैठने की जगह और ऊपर टेंट लगाए हैं, जगह फिर जगह पे हैं. हमारे होटल में भी था, हमारे होटल में, ये हमारे होटल में भी था. खैर, आई एम सर्चिंग फॉर बैग्स मामा के लिए. तो यहाँ पे गैस की शॉप भी है, लेकिन ये एक मॉल के अंदर ही गैस का स्टोर है. तो यहाँ पे जो प्राइसेस पहले थी, लास्ट टाइम जब मैं आया था, प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है. जैसे ये 760 रियाल्स, ये तब भी इतने की चीज़ें थी यहाँ पे, लेकिन हमारा जो करेंसी है दैट इज़ डेप्रिशिएटेड. और ये 760 रियाल अगर तब बनते थे, अगर तब ये 760 रियाल बनते थे ऑलमोस्ट 30,000, तो अब यही 60,000 बनते हैं, मतलब बहुत डबल हो गया है. तो फिलहाल मैं घूम रहा हूँ बराज एवेन्यू. ये एक मॉल है, इट्स नॉट अ मॉल, इट्स अ बेसिकली प्लेस वेयर आपको सब हाई एंड ब्रांड्स मिल जाएंगे. गुची, शनैल, एग्नायरर, एरोस्पोल, पोल, राल्फ लॉरेन, क्रीड, अवेंटस, गुची, शनैल. मामा का मुझे भी फ़ोन आया है कि मॉल के गेट पे आ जाओ, मैं आ रही हूँ मस्जिद से. तो मैं वापस जा रहा हूँ नीचे फ्रॉम P3 टू ग्राउंड फ्लोर टू पिक हर, और उसके बाद हम कुछ लंच करते हैं, और उसके बाद फिर असर की नमाज पढ़ने जाएंगे. सो मुझे तो इस वक्त शदीद भूख लगी हुई है. तो ग्राउंड फ्लोर पे आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे ना किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, और उन लोगों में से कोई एक बंदा ढूंढना इट्स वे इम्पॉसिबल. खैर, अब गेट पे खड़ा हूँ, मैंने मामा को यहाँ पे खड़े होने का कहा था, तो मामा आती हैं, तो फिर वी विल गो अपस्टेयर्स. सो मामा आ गई हैं. चेंज इन प्लान ये है कि अब हम जा रहे हैं खाने के लिए अलबैक. अलबैक है जबले उमर में, हिल्टन होटल, तो साथ ही है, तब हम उधर जा रहे हैं. तो अलबैक, क्योंकि जब से हम आए तब से हमने अलबैक नहीं खाया, और मुझे अलबैक बहुत पसंद है, एयरपोर्ट पे खाया था. तो आज अलबैक खाएंगे, और उस वो भी किस्म का मॉल ही है, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं. बॉटल्स ली हुई हैं कुछ, तो बैग भी हैं, तो आबे जमजम भर लें इनमें, फिर चलते हैं. रास्ते में मामा को याद आया कि तुम बॉटल्स फिर आज खाली वापस कर ले, होटल ले जाओगे, तो पानी इसमें भरो. तो होटल जाके आप जमजम पियेंगे, यहाँ पे आके भी मिनरल वाटर पीने का फिर क्या फ़ायदा, जब हमारे पास आप जमजम है. सो हियर वी आर. सो वी आर मूविंग टुवर्ड हिल्टन, जहाँ पे अलबैक है. और मामा को कोई एड्रेस नहीं आता, सारे एड्रेस मुझे आते हैं. खैर, आई एम ए गुड ट्रैवल गाइड, मुझे
नहीं तो भाई इधर से गुजर जाओ ना, मुझे उसका एड्रेस याद हो जाता है। तो कोई एड्रेस पूछना हो किसी ने तो मुझसे पूछ सकता है। सो ये प्लाजा है जबले उमर हयात। इतनी गर्मी है मतलब ऊपर एरिया में सेन वगैरह में बहुत गर्मी है और यहाँ पे सो चिल्ड आउट। लास्ट टाइम में जब हम आए थे ना, हमने कैशियो से वॉचेस ली थी मैंने, मामा ने और मेरे भाई के लिए। तो यहाँ पे कैशियो की आउटलेट बनी हुई है इस स्पेशली इस प्लाजे के अंदर, क्योंकि कैशियो की जो कैशियो की जो वॉचेस हैं वैसे तो आपको मिल जाएंगी दूसरे ब्रांड्स पे, आउटलेट्स पे या किसी और शॉप पे। तो ये इनकी अपनी आउटलेट है अपनी, इनकी प्राइसेस भी यहाँ पे रीज़नेबल होती है और इनके पास क्वालिटी सारी हर किस्म की वैरायटी इनके पास होती है, डिफरेंट कलर्स एंड ऑल। हेयर भी आ रहे हैं, मामा का वेट कर रहा हूँ, मामा आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, मैं थोड़ी स्पीड पकड़ के आया हूँ। सो हेयर वी गो। प्राइस ऑप्शन नंबर वन ये कैशियो की, ये मुझे काफी अच्छी लग रही है। ऑप्शन नंबर टू ये है, ये मुझे अच्छी लग रही है। यार हम वॉचेस पसंद कर रहे हैं, सो मेनी ऑप्शंस टू गो। और हैदर से दिखा के इसको कि कौन सी लेनी है। सो ये कंसल्टिंग राइट नाउ, कौन सी लेनी, लेट्स सी। सो अभी तक यही फैसला हो रहा है, दो दिखाई हैं फेस टाइम पे बात करने का उसको। खैर मुझे दोनों पसंद हैं, एक थोड़ा सा फ़र्क है, डिफरेंशिएशन थोड़ी सी बॉडी की है। खैर दोनों अच्छी हैं। तो यार यही फाइनल हुई है, हैदर मैंने अपने भाई के लिए और अपने लिए सेम ले ली है। 200 रियाल की है ये घड़ी, पाकिस्तानी 16,000 15,000 16,000। तो ये हमें पसंद आई है तो हमने यही ले ली, दो टू पीस इन दिस वन। मैंने मामा को फोर्स किया कि इस तरह की इनकी कैशियो क्लासिक घड़ियाँ लें, पहले आती होती थी तो ये वेरी ट्रेंडिंग है ये आजकल, इनके ओल्ड वर्जन है इनके, तो आई लव देम। मैं मामा कह रहा हूँ गोल्ड नहीं है। तो फिलहाल वॉचेस देख रहे हैं, मुझे दोनों पसंद आई हैं लेकिन वी आर गोइंग विद दिस वन। फाइनली वी हैव डन गेटिंग 3 वॉचेस फ्रॉम कैशियो, मेरी और मेरे भाई की सेम है, सिल्वर कलर की जो उनकी क्लासिक होती है, मामा की वो जो टाइम वाली डायल वाली होती है वो है। तो बस ये लेते हैं और चलते हैं, वो पैकिंग कर रहे हैं। और हमारे पाकिस्तानी 42,000 ये 3 वॉचेस बन रही हैं, कैश कर पैक क्रेडिट। थैंक यू। तो हो गया, हमने ले ली वॉचेस और हमें 1 घंटा लग गया ऑलमोस्ट है। तो बस अब कल बैक खाएंगे, फिर असर का टाइम हो जाएगा मोस्ट प्रॉबेबली। हाँ नमाज होने लगी है, ऊपर पढ़ लें। खैर यहाँ से बाहर मस्जिद नज़र आती है और अभी हम फूड कोर्ट में हैं, फाइंडिंग अ प्लेस टू सिट। लेट्स गो बैक ग्रैब सम। खैर अभी बैग बंद है, अब वेट कर रहे हैं खुलने का।
यहाँ पे इनके पास चिकन के पीसेस तो नहीं थे, तो नगेट्स ले लिए और आई हैव गॉट वन सैंडविच। यार देयर इज अ ह्यूज लाइन अप और 15 मिनट के बाद मुझे मेरा बैग मिल गया। इतना रश। खैर यहाँ पे जो डील मैं खाता होता हूँ चिकन पीसेस वाली, वो अवेलेबल नहीं होती हमेशा ही, तो मक्का में किसी और बैग से लेके खाएंगे। मदीना में तो अवेलेबल होती हर जगह, मक्का में इस बैग पर नहीं होती। तो फिलहाल नगेट्स लिए, एक सैंडविच लिया, दो पेप्सी लिए फॉर 28 रियाल और मामा वेट कर रही हैं। लेट्स हैव सम अलबैक। मेरे नगेट्स लिए हैं, वो सैंडविच मामा खा रही हैं, बंद है सारे पैसे इनकी, ये मेयोनीज के हैं। वी आर डन विद अलबैक और मामा को तो खास अलबैक पसंद नहीं है। खैर खास क्या, मामा को अलबैक बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे जितना अलबैक पसंद है ना वो आपकी सोच ही है। आई लव अलबैक। मामा अपने फ़ोन के कवर्स देख रहे हैं, तो एक किस्म की गैजेट शॉप है, गैजेट एक्सेसरी शॉप है। इनके हेडफोन पड़े हुए हैं डिफरेंट किस्म के, छोटे स्पीकर, आईफोन्स, ऑल दिस स्टफ। मामा इज़ सो फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, हर दुकान पे जो मिलती है उधर चले जाती हैं। तो जो शॉपिंग का शौक है ना वो इनहेरिटेड आता है, समझ गए होंगे आप। यहाँ के मॉल से हर मॉल में बहुत चीज़ स्मेल आ रही होती है इनकी वजह से, बकूरों की वजह से। तो अब आए एक परफ्यूम शॉप पे, यहाँ परफ्यूम्स हंट हो रहा है मामा और मेरा। इतने परफ्यूम्स लगा लेंगे भी किसी की मुझे स्मेल नहीं आ रही। परफ्यूम हंट के बाद हम एक नेक्स्ट शॉप पे आ गए, दिस इज समथिंग फुटवेयर। तो मैंने वहाँ से एक परफ्यूम लिया है पीप जीन्स का, दैट्स फॉर 200 समथिंग रियाल। मैं आपको रूम में जाके दिखाऊंगा। फिर तो अब स्केचर्स हंट कर रहे हैं हम। खैर मैं तो स्केचर्स पहनता नहीं, हमारे घर में सिर्फ मामा और मेरा भाई आर स्केचर्स लवर। आई लव एडिडास। हम गोल शॉपिंग अमेरिकन ईगल पे, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड्स आफ्टर एच&एम ज़ारा। मैं तो जी थक के बैठ गया सूट केस पे, लेकिन मामा की नेवर एंडिंग शॉपिंग। हम सब हैं प्योर डानो पे। तो इस मॉल में एक शॉप बनी हुई है, इसको पता नहीं इसका नाम क्या है। खैर इसका नाम है कैमल्स टी, कॉफी शॉप है, और ये बिल्कुल ना ओल्ड अरेबिक वर्जन में बनी हुई है। ईंटे वगैरह, ये इसका फ्लोर है ऐसे है, और ये बिल्कुल ब्रिक वर्क हुआ हुआ है। आफ्टर सो मच शॉपिंग और मूविंग हियर एंड देयर, अब हम वापस आ गए स्टारबक्स पे, ग्रैब सम कॉफ़ी। और मैंने ऑर्डर किया फ्रैपेचिनो वनीला में, और मामा ने ऑर्डर किया है कैरेमल फ्रैपेचिनो। Here's the making of these frappuccino. We are sitting right there. So this is my frappuccino. मैंने उनका नाम बताया था, अपना अब्दुल्ला, उन्होंने कहा ओह बॉय। इस वक्त मगरिब का टाइम होने वाला है ऑलमोस्ट, तो हम शॉपिंग स्प्री करके हम आए स्टारबक्स। मामा अपनी
वनीला फ्रैपचिनो पी रही हैं और खैर सुबह बिंदा होते मैं आया था केला कुछ चीज़ें लेने के लिए, वो सामान इज ऑलरेडी इन माई सूटकेस और मामा कह रहे हैं कि मैंने भी बिंदा उठ जाना है। तो बस जैसे घूम के और मगरिब का टाइम हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा आबे जमजम के लिए अच्छी है ना, आबे जमजम के लिए अच्छी है। हाँ नहीं अच्छी ये वाला कप उठाया ना कॉफी का। कैसा है खोले, ऑल द टम्बलर्स वाटर ग्लासेस बॉटल्स। खैर ये बिंदावर सुपर मार्केट इतनी बड़ी होती है, इसके अंदर एलिवेटर चल रहे होते हैं। मामा आ जाएं ऊपर। तो अभी हम जा रहे हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए क्योंकि टाइम हो गया ऑलमोस्ट। तो मगरिब की टाइम के मगरिब की नमाज़ के बाद कहीं जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद में। This is for 20 reals. मुझे मैं ब्लैक ले रहा हूँ। वैसे मुझे ये कलर भी अच्छा लगा जो मैंने पहना हुआ है। खैर फिरते हुए मुझे दो कलर्स नज़र आ गए हैं सेम डिज़ाइन में, फ्यूजन लिखा हुआ है इसके ऊपर, एक ब्लैक और एक वाइट। तो मैं ये दोनों ले रहा हूँ। ईशा की नमाज़ पढ़ के हम अपने रूम में आ गए थे, कुछ खाया नहीं था हमने। आज हमारा प्लान था कुछ पाकिस्तानी खाने को, कुछ चिकन वगैरह या दाल टाइप ऐसा, क्योंकि मामा कह रही थी कि मैं अलबैर तो खा नहीं सकती, बर्गर पिज़्ज़ा में खा के थक गई हूँ। दूसरा या तीसरा दिन नहीं है शायद हमारा आज। खैर बस पाकिस्तानी सर्च कर रहे थे हमने कि एक रेस्टोरेंट से लास्ट टाइम खाया था उनका खाना अच्छा था, तो हम उधर ही जा रहे हैं। तो इधर ही जा रहे हैं कुछ पाकिस्तानी खाने के लिए, रश तो उधर काफ़ी है। खैर उधर काफ़ी रश था तो हम एक नेक्स्ट रेस्टोरेंट पे आए हैं, नेक्स्ट होटल पे आए हैं। इधर भी बहुत रश है, अच्छी इधर रश कितना का रश है, जगह मिलती है हमें तो हमें बैठने की जगह भी नहीं मिल रही। गर्म ही आएगी। हमारे चिकन आ गए, हमारी कड़ी आ गई, हमारी पेप्सी और हमारी रोटी। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। दोनों चीज़ें बहुत मज़ेदार हैं, चिकन भी और कड़ी भी। तो हमने खाना खा लिया, हमने खाना खा लिया, खाना बहुत मज़े का था। मामा आप चाय लेके पी रही हैं इधर से ही। ये रेस्टोरेंट ये होटल का नाम था। जा रहे हैं बैक टू होटल। सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।